हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब वेलकम टू एसएससी पीडब्ल्यू टॉप तक जल्दी से आएंगे जुड़ेंगे हमारे साथ अपनी साइंस की क्लास के साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं हफ्ते में तीन दिन तुम्हें साइंस पढ़ाया जाता है तो आज अपनी साइंस की क्लास है और आज का जो चैप्टर है बच्चे उसका नाम है एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम या हम इसे कह सकते हैं कि जंतु वर्गीकरण या जीवों का वर्गीकरण अगर इस चैप्टर की मैं आपसे बात करूं अगर इस चैप्टर की मैं आपसे बात करूँ तो इस चैप्टर में बच्चा कुछ ऐसा है कि मैं देखती हूं बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस चैप्टर को नहीं पढ़ाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो इस चैप्टर को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं मैम क्यों क्योंकि थोड़ा सा टफ़ चैप्टर माना जाता है अपने आप में याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं लेकिन एग्जामिनर एग्जामिनर आप सब जानते हैं क्वेश्चन वहीं से बनाएगा जो चैप्टर आपका टफ है और जो चैप्टर बच्चे ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं पहले ईजी चीज़ें आती थी एग्जाम में बहुत हल्की हल्की ऊपर से पढ़ के निकल जाइए आपका मामला हो जाता था डन है ना लेकिन अब जो एग्जाम का पैटर्न हो बिल्कुल चेंज हो गया है लेवल इंक्रीज कर गया है जैसे जैसे सारी चीजें कहते हैं भाई महंगाई बढ़ रही है वैसे ही क्वेश्चन भी महंगे होने लगे हैं बहुत जो है टफ क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन या हम बात करें कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आज हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पढ़ता तो हर एक बच्चा है लेकिन आपको वो पढ़ना है जो कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं और टॉपर जो होता है जो सिलेक्शन ले जाता है बच्चा वही बच्चा होता है जो हर एक चीज पढ़ के चलता है ओके okay? डन कैसे हैं आप सभी क्या हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं क्या हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं वेरी गुड वेरी गुड गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मैं सभी को देख पा रही हूँ सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून टू एवरी गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सभी बिल्कुल सही चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है कहीं से किसी को आइए चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं चलिए क्लास शुरू करें गुड आफ्टरनून हिमांशु सुभाष जसप्रीत सिंह ओके वायरल मैथ ओके विनय शर्मा गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप चलिए तो क्या हम क्लास शुरू करें क्या हम क्लास शुरू करें अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं क्लास शुरू कर सकते हैं तो जल्दी से वाई वाई टाइप करके दिखाओ भाई जल्दी से वाई वाई टाइप करके दिखाएंगे है ना ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ओके ओके बच्चा, ओके 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 तो इसका मतलब है कि क्लास शुरू कर सकते हैं राम 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 भाई राम राम के ढंग से के ज्ञान से प्रदीप पांडे गुड आफ्टरनून कैसे हैं आप सभी चलिए तो देखो मैं यहाँ पे बहुत सारी फोटोज लेके आई हूँ आज आपको मैं आपको दिखा भी सकती हूँ आपके लिए है बहुत सारी फोटोज है अगर मैं दिखाना चाहूँ एक मिनट देखो ये देखिए ऐसी फोटोज हैं ये फोटो देखिए तो आप कहोगे मैम ये सब क्या है बच्चे ये सब एनिमल है ये सब जीव है ये सब जो है एनिमल है ये भी हमारी धरती पर हमारी तरह लिविंग है और ये सब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे है ना ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हुँगे. तो ऐसे एनिमल के बारे में आपको पढ़ाऊंगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगी क्योंकि क्योंकि यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है तो सबसे पहले हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं ठीक है एनिमल किंगडम की बात करते हैं देखो बच्चे जब एनिमल किंगडम ध्यान से सुनिए क्या हुआ कि आप जो है जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिविंग हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग हैं ठीक है जैसे इस स्टूडियो में मैं बात कर लूँ इस रूम में मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर मैं लिविंग हूँ है ना और अगर हम बात करें ये आपका जो है आपका कैमरा हो गया ओके okay? आपका कैमरा हो गया आपका बोर्ड हो गया ये मार्कर हो गया ये सब क्या है नॉन लिविंग है तो सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग को डिवाइड किया गया फिर लिविंग में जितनी चीज़ें आती हैं लिविंग में जितनी चीजें आती हैं हमने सबको क्या किया है, है? तो पांच तरीके के जो लिविंग है पांच तरीके के मैं कहूंगी जो लिविंग है जिन्हें हम लिविंग मानते हैं कि भाई ये लिविंग है इनके ली, इनमें शो होते हैं, तो क्या है वो पांच तरीके के आपके हैं देखो एक है मोनेरा एक है प्लांटाई एक है फंगस एक है एनिमल एक है प्रोटिस्टा ठीक है एक है आपका प्रोटिस्टा ओके अब अगर हम बात करें हम हमें मैम कौन सा पढ़ना है तो देखो फंगी में आते हैं कवक ठीक है कवक कवक जिसके स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं या माइकोलॉजी कहते हैं उसके बाद प्लांटाई में आते हैं आपके पादप यानी पेड़ पौधे ओके पेड़ पौधे पा। पादप यानी पेड़ पौधे आद, पेड़ यानी पेड़ पौधे उसके बाद में मोनेरा मोनेरा आपका बैक्टीरिया यहां पे आ जाएगा जिसे जीवाणु कहते हैं ठीक है

क्या तो एनिमिलिया किंगडम हमें देखना है कितने प्रकार के जो जंतु हैं ठीक है देखो प्लांट्स भी लिविंग है है ना और हम भी लिविंग हैं प्लांट्स को लिविंग मानते हो है ना कि प्लांट्स आर लिविंग ठीक है तो प्लांट्स लिविंग है लेकिन प्लांट्स को यहाँ पढ़ोगे प्लांट्स को यहाँ पढ़ोगे लेकिन जितने लिविंग है जैसे गाय होगी ठीक है कुत्ता भैंस बकरी बिल्ली ये सब भी लिविंग है हम भी लिविंग है, ये भी जानवर है हम भी जानवर हैं तो आप कहोगे मैम ह्यूमन जानवर है यस बच्चा अगर साइंस की लैंग्वेज में हम चलें तो ह्यूमन भी आपका क्या है एनिमल है क्यों क्योंकि हम यहीं आएंगे ह्यूमन भी आपका यहीं आएगा आपका एनिमल किंगडम में ही आपका ह्यूमन आएगा ओके okay. अब हमें देखना है कि एनिमल किंगडम के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं और कॉकरोच को कहां रखा गया है ठीक है कॉकरोच को कहां रखा गया है या मैं कहूं बिल्ली को कहां रखा गया कुत्ते को कहां रखा गया हमें कहां रखा गया है यह सारी चीजें अब हम देखेंगे या जो आपने कई बार आपने अपने फोन में भी रील्स वगैरह देखते हो तो कई बार जो है आपने देखा होगा कि जो आपका समुद्र है वहां पर बहुत अजीब अजीब से बहुत फनी टाइप के एनिमल आपने देखे होंगे समुद्र में तो वो सब क्या होते हैं आज सारी की सारी चीजें हम पढ़ेंगे ठीक है तो अगर कहोगे मैम एनिमल किंगडम में कितने कितने ग्रुप आते हैं ग्रुप बोले तो उन्हें फाइलम कहा जाता है बच्चा संघ कहा जाता है ठीक है तो ये कुछ फ़ाइलम्स हैं हम इनमें से कहीं नहीं आते ठीक है हम जो है कॉर्डेट्स हैं तो हम अपने बारे में बाद में पढ़ेंगे हम कशेरुकी हम अपने बाद में बाद में पढ़ेंगे ये कुछ फाइलम है जो आपको पढ़ना है ठीक है ये कुछ फाइलम है जो इंपॉर्टेंट फाइलम है क्योंकि हमारा वन शॉर्ट वीडियो है तो हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं हमारा वन शॉर्ट वीडियो है तो हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं हमारा वन शॉर्ट वीडियो है तो हम बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं हम वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में आएंगे ठीक है बातें क्लियर है बातें चलिए ओके okay, डन कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आ जाइए आगे चलेंगे हम तो सबसे पहला कौन सा है पोरीफेरा सभी आप जो है एक बार कमेंट कर देंगे कि मैम सबसे पहला जो फाइलम है, फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा है पोरीफेरा के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी अब मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी ठीक <coughs> है अब मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी ओके okay? अब मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगी चलिए सबसे पहला पोरीफेरा है ठीक है सबसे पहला पोरीफेरा है अगर आपसे पूछा जाएगा कि पोरीफेरा वाले जो जानवर है उनकी विशेषता क्या है ठीक है उनकी क्या विशेषता है कि हम उन्हें कहेंगे कि ये पोरीफेरा फाइलम से बिलोंग करते हैं तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि पोरीफेरा में देखो पोरी, ठीक है पूरी से आपने क्या उठाना है पोर्स ठीक है पोर्स पोर्स मतलब बच्चा छिद्र होता है छिद्र चिद्र तो ऐसे ऐसे जानवर जिसकी बॉडी पे होल्स पाए जाए छेद पाए जाए दिखाऊं कैसे दिखाऊं क्या फोटो होगी शायद मेरे पास फोटो ये देखो ये है, ये पोरी फेरा। बच्चा कहोगे मैम प्लांट लग रहा है ये तो कोई प्लांट लग रहा है कि कोई प्लांट है वो जो है वो ड्राई हो गया है नहीं बच्चा ये एक जानवर है देखो ये आपके समुद्र में पाया जाता है एक एक जानवर है और अगर मैं इसे जूम करूं अगर ये फोटो जूम हो जाए तो आप बहुत ध्यान से देखना क्या आपको यहाँ पर ऐसे छेद दिखाई दे रहे हैं इसके बॉडी पर देखो इसके बॉडी पर आपको छेद दिखाई दे रहे हैं देखिए ये देखो ऐसे आपके इनकी बॉडी पर आपको बड़े बड़े से छोटे छोटे से कई सारे पूरी की पूरी बॉडी इनकी पोर्स से भरी होती है ये छिद्र होते हैं बच्चा ये क्या होते हैं ये छिद्र होते हैं और ये जो है जिन भी जिस भी जानवर के ऊपर छिद्र पाया जाएगा बहुत सारे ऐसे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें किस किस फाइलम में रखा जाता है उन्हें पोरी फेरा फाइलम में रखा जाता है पोरी से पोर्स पोर्स यानी छेद अब एक बात याद रखना मैम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे जीव जिनके पूरे शरीर पर छेद पाए जाते हैं वो कौन से फाइलम में आते हैं क्या आएगा क्वेश्चन ऐसे जीव नोट्स बनाते चलो ऐसे जीव जिनके पूरे शरीर पर जिनके पूरे शरीर पर छेद पाए जाते हैं वो कौन से फाइलम में आते हैं आपको कहना है वो पोरीफेरा में आते हैं ठीक है, मल्टी सेलूलर ऑर्गेनिज्म क्या है ये पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये आपको याद रखना है अच्छा ये जो है क्या है मल्टी सेलर है ध्यान से सुनना। एक होता है यूनिसेल्युलर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एक होता है यूनिसेलुलर यानी एक कोशिक एक कोश की एक का मतलब है एक कोशिका का मतलब है कोशिका मतलब ऐसे ऐसे जानवर जिनके अंदर बस एक कोशिका पाई पाई जाए जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया यानी मैं कह दूं जीवाणु बैक्टीरिया बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया इज अ सेलुलर यूनिसेलुलर का मतलब होता बच्चा बस उनके अंदर एक कोशिका है उसी से सांस लेगा उसी से खाना खाएगा उसी से जो है अगर उसे कोई अपना काम करना है मतलब एक ही कोशिका होती है सब कुछ डाइजेशन उसका रेस्पिरेशन सब कुछ उसी से ही होगा बस एक एक सेल से एक कोशिका से तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है यूनि ऑर्गेनिज्म डन मामला कहो कि हाँ जी मैम यहाँ तक मामला डन है ओके उसके बाद में अगर आपसे पूछ ले मैम यहाँ तो मल्टी सेलुलर लिखा है यूनि सेलुलर नहीं मैम मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है मल्टी सेलुलर का मतलब बहुत अच्छे से समझेंगे मल्टी सेलुलर का मतलब होता बच्चा जिसकी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है जैसे अगर मुझे पूछ लो कि मैं क्या हूँ तो मैं मल्टी सेलुलर हूँ क्यों क्योंकि हमारी बॉडी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बनी है ठीक है यहां पे देखो अलग कोशिका है यहाँ पे देखो अलग कोशिका है आंखों में आंखों वाली कोशिका है कान में है, कान वाली कोशिका है है ना यहाँ के यहाँ की स्किन थोड़ा टच करके देखो हार्ड है तो यहाँ पे दूसरी कोशिकाएं होंगी यहां पे दूसरी कोशिकाएं होंगी कहने का मतलब है कि जैसे हम मल्टी सेलुलर है बच्चा वैसे ही पूरी फेरा के जो जानवर है जिनके पूरे बॉडी पे छेद पाया जा रहा है वो भी मल्टी सेलुलर है मैम एग्जाम का क्वेश्चन क्या है एग्जाम का क्वेश्चन आएगा कि जो पूरी फेरा के जानवर है क्या वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी लिख के आओगे क्या है मल्टी सेल्यूलर ठीक है बातें डन है ओके okay. मैम उसके बाद में कह रहा है नो टिश्यू इज फाउंड दिस इज ऑल्सो सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टिशू क्या होता है मैम मैंने कहा था जब बहुत सारी ध्यान से सुनना बच्चा जब बहुत सारी कोशिकाएं ऐसे मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं तब जाके एक टिश्यू बनता है एक उत्तक बनता है इतनी बातें समझ लो जब हम माँ के गर्भाशय में आते हैं तो एक कोशिका आती है हाँ जी मैम एक कोशिका आती है जिसे जायगोट कहते हैं ठीक है फिर ये अपने अपने आप को डिवाइड करके ऐसे बहुत सारी कोशिका लेती है कोशिका बना लेती है तो उसे टिश्यू कहा जाता है ध्यान से सुनना ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें कोशिका तो थी कोशिका तो आ गई थी ये जो जानवर है ये लोअर क्लास का जान जो है जानवर है कह रहा है कि इसमें भाई कोशिका तो है लेकिन लेकिन इसमें टिश्यू नहीं बना है इसमें उतक नहीं है इनमें उतक नहीं पाया जाता है मैम एग्जाम का क्वेश्चन बताइए एग्जाम का क्वेश्चन है क्या पोरी के जो जानवर है क्या लिखोगे क्या पोरी के जो जानवर है उनमें टिश्यू पाया जाता है क्या उनमें उतक पाया जाता है आप कहेंगे नहीं उनमें कोशिकाएं पाई जाती हैं लेकिन उनमें टिश्यू नहीं पाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ओके हां बिल्कुल बस नोट्स बनाते हैं चलो मैंने पहले आपको कह दिया था कि थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है थोड़ी सी याद करने वाली बातें ज्यादा हैं लेकिन हर हर कोई इसे नहीं पढ़ पाता है और बहुत सारे टीचर्स भी इसे नहीं पढ़ाते हैं लेकिन बच्चा याद रखना यहां से आज अगर आज आप प्रीवियस ईयर उठा के देखो हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो यहां से ज्यादा बनते हैं एनिमल किंगडम से क्वेश्चन बन ही बन रहे हैं क्यों क्योंकि ये बच्चा पढ़ के नहीं जाता है और एग्जामिनर को क्या करना है एग्जामिनर को उन बच्चों को निकालना है अपने काम उन्हें उन्हें जो है सिलेक्शन के लिए निकालना है कि जो सब कुछ पढ़ हैं है ना सारी चीजें पढ़ के आए मेहनत करके आए हैं आइए अगला है अगला पॉइंट है क्या है कि ये क्या करते हैं इनका जो पोर्स होता है बच्चा आप देखो इनके पोर्स का नाम होता है ऑस्टिया ठीक है अब देखो मैं तब से पोर्स 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 कर रही हूं लेकिन अगर पूछ ले कि जो इनके जैसे ये है ऐसे है इस, इनका ऐसे बहुत सारे छिद्र पाए जा रहे हैं तो इनको छेद नहीं कहेंगे इनकी बायो की लैंग्वेज में इसे क्या कहेंगे ऑस्टिया कहेंगे ये या आपको याद रखना ठीक है ऑस्टिया यानी पोर्ट्स ऑन बॉडी फूड वॉटर ऑक्सीजन अब कहोगे मैम ये खाना कैसे खाते हैं ये खाना कैसे खाते हैं जो पोरी के जानवर है मैम ये खाना कैसे खाते हैं मैं आपको बताती हूँ ये देखो जैसे मैंने कहा इनके बॉडी में छेद है ठीक है खाना कैसे खाएंगे मैं आपको बताती हूँ कहाँ रहते हैं पानी में रहते हैं कौन से पानी में पानी में रहते हैं सी वाटर ठीक है जो क्या है जो समुद्री जल है उसमें रहते हैं हाँ जी जब समुद्री जल में ये रहेंगे होता क्या बच्चा यहाँ से पानी आता है ठीक है मैम उसके बाद पानी इस छेद से ऐसे हर, सारे छेद से बाहर निकल जाएगा हाँ जी मैम लेकिन जब पानी अंदर गया होगा ना बच्चा तो पानी में जो ऑक्सीजन है पानी में जो नमक है वो सभी अपनी बॉडी में अबजॉर्ब कर लेते हैं उसी से अपनी बॉडी को ये ग्रो कर पाते हैं समझ में आ गई बात तो इसी छेद छेद इनको ऐसे ही नहीं दिया भगवान ने छह से ये अपना खाना बनाते हैं और भी कुछ बातें इनके बारे में कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट पोरी फेरा है जिनका क्या है एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है तो ये आपने लिख लेना है अच्छा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैम ये पूरी फेरा ऐसे लगे हुए हैं ठीक है ऐसे लगे हुए हैं बहुत सारा छह दिन के ऊपर पाया जा रहा है ऐसे ठीक है तो आप पूछोगे मैम ये जानवर है तो क्या ये हिल सकते हैं तो बच्चा याद रखना जैसे प्लांट्स अपनी जगह से नहीं हिल सकते ये एक जगह ही रहेंगे यहाँ लिख रहा है हिल नहीं सकता है ठीक है नो लोको मोशन मतलब ये चल नहीं सकते जैसे हम जानवर है ठीक है लेकिन हम चल पाते हैं हम देखो ऐसे चल पाते हैं है ना लेकिन ये नहीं चल पाएंगे इसीलिए इन्हें अलग किंगडम में रखा गया है क्यों क्योंकि ये एक तरीके के एनिमल है एक तरीके के जानवर है लेकिन बच्चा ये चल नहीं सकते हैं दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम ठीक है ये आपके एग्जाम के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है कि क्या मैम ये चल सकते हैं आपको कहना है बहुत इंपॉर्टेंट है एमटीएस के लिए ठीक है हर एक एग्जाम में देखना यहां से क्वेश्चन बनता है और जो जो मैं लिख रही हूं ज्यादा मत पढ़ के जाना जितना मैं कर रही हूं उतना बहुत है ठीक है एमटीएस लेवल के लिए इतनी बातें मतलब सफिशियंट है ओके okay? क्लियर है बातें अब देखो एक दो इनके एग्जांपल और दिखाते देखो ये ये भी एक तरीके का पोरी फेरा है क्यों क्योंकि मैंने कहा था पोरी फेरा वो है जिनके शरीर पे छेद पाए जाएंगे जिनके शरीर पे छेद पाए जाएंगे अगर मैं इसे जूम करके दिखाऊं तो, तो वो फॉरन में ना इसे ना सजाने के लिए एक जानवर है ठीक है लेकिन जैसे हम जाते हैं जब हम जाते हैं यहाँ पार्टी वार्टी में तो हम क्या गुलाब का फूल ये सब लेके जाते हैं है, है ना लेकिन जब फॉरन में फॉरन में लोग जाते हैं तो वो गिफ्ट करने के लिए ये बहुत महंगा आता है ये इसको इसको गिफ्ट कितना प्यारा लग रहा है एक साथ तोहफा ही लग रहा है तो तोहफे में उसको ये गिफ्ट करते हैं ठीक है जब वो जाते हैं कहीं पर सेलिब्रेशन में तो उसे गिफ्ट करते हैं ये है ना और एक तरीके का जानवर है ये पोरी फेरा है ओके और देखो इसके शरीर पर ऐसे देखो ऐसे क्या पाया जा रहा है शुद्ध पाया जा रहा है अगर मैं इसे जूम करके देखूँ शायद दिख नहीं रहा हूँ लेकिन ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत छेद पाए जा रहे हैं तो जिनके शरीर पर छेद पाए जाएंगे वो पोरी फेरा होगा ठीक है ये देखो जैसे आप जब नहाते हो तो एक आप यूज करते होंगे क्या यूज करते होंगे आप जो है स्पॉन्ज यूज करते होंगे नहाते टाइम है ना या बर्तन साफ करते टाइम तो जैसा बर्तन साफ करते टाइम आप एक स्पॉन्ज यूज करते हैं वैसा ही अगर आप देखिए तो ये है ठीक है ये देखो ये एक स्पॉन्ज है ठीक है दिख रही होंगी सारी बातें क्लियर है बातें चलिए अब चलते हैं हम आगे अगला अगर हम बात करें अगला आपका फाइलम आता है निडीरिया फाइलम ठीक है अगला जो फाइलम है उसका नाम है निडीरिया फाइलम अब देखो कितनी बातें ध्यान से आपको फाइलम की मैम क्या विशेषता है निडीरिया फाइलम की मैम क्या विशेषता है फाइलम सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है इनमें ट्रू टिश्यू पाया जाता है है ना क्या इसका मतलब क्या हुआ मैम इससे पहले हमने क्या पढ़ा है मैम इससे पहले हमने पढ़ा है पोरीफेरा है ना पोर क्या पोरीफेरा में मेरा आपसे क्वेश्चन है जो इससे पहले अभी हमने पढ़ा है पोरीफेरा क्या उसमें टिश्यू पाया जाता है बताइए कितने बच्चे कह रहे हैं पाया जाता है कितने बच्चे कह रहे हैं नहीं पाया जाता बताओ मैंने जो इससे पहले फाइलम अभी मैंने आपको पढ़ाया पोरीफेरा क्या उसमें उत्तक टिश्यू पाया जाता है बताइए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कितना आप समझ रहे हैं क्या इससे पहले वाले फाइलम में जो अभी पोरी फेरा फाइलम पढ़ाया गया क्या उसमें टिश्यू यानी उत्तक पाया जाता है बताइए जल्दी से मैं आपका जो आंसर देख लू फिर मैं आगे आपको लेके चलूंगी मैं सभी के आंसर देखना चाहती हूँ आप क्या बता रहे हैं ठीक है ओके कह रहे हैं नो 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 बहुत अच्छा इसका मतलब बच्चे समझ रहे हैं इसका मतलब बच्चे चीजों को समझ रहे हैं नहीं पाया जाता है ना लेकिन लेकिन बच्चा इसमें पहले ही लाइन में लिखा हुआ है कि इनमें ट्रू टिश्यू पाया जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या निडीरिया में टिश्यू पाया जाता है कहोगे यस हंड्रेड परसेंट पूरी फेरा में नहीं पाया जाता आपने बिल्कुल सही आंसर किया है पूरी फेरा में नहीं पाया जाता बिल्कुल सही आंसर है लेकिन बच्चा इसमें लिख लो हंड्रेड तो परसेंट पाया जाता है एक बढ़िया टिश्यू पाया जाता है ट्रू का मतलब है बिल्कुल मेच्योर आप एकदम देख के पहचान सकते हैं तो आपने याद रखना है इनमें ट्रू टिश्यू पाया जाता है ठीक है ट्रू टिश्यू इज फाउंड ओके यह आपको याद रखना है इन निडीरिया फाइलम ग्रेट ओके उसके बाद में है इसमें पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है नो डाइजेस्टिव सिस्टम फाउंड कह रहा है कि देखो बच्चे जब हम क्या हुआ ध्यान से सुनो जब हम माँ के गर्भाशय में आए हाँ जी मैम उसके बाद में एक सेल बनी कोशिका बनी कोशिका से क्या बना आपका टिश्यू बना उतक बना ठीक है टिश्यू बनने के बाद हमारे अंदर सिस्टम बनने शुरू हो जाते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम है ना ऐसे सिस्टम बनने शुरू हो जाते हैं इसमें साफ लिखा हुआ है कि हाँ उतक उतक आ गया था इनके अंदर इनके अंदर उतक आ गया था टिश्यू इनके अंदर प्रॉपर आ गया था ये जो जानवर हैं लेकिन इनमें कोई सिस्टम नहीं बना था इसीलिए इसने कंफर्म लिख दिया है कि नो डाइजेस्टिव सिस्टम इज फाउंड कह रहा है कि हाँ टिश्यू थे इनके अंदर उत्तक बन चुके थे लेकिन बच्चा इनके अंदर कोई सिस्टम नहीं पाया जा रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जा रहा था ये और अच्छा पॉइंट है एग्जाम में मैम क्या क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पूछेगा कि निटेरिया फाइलम में पाचन तंत्र पाया जाता है हा या नहीं ट्रू और फॉल्स आपने कहना फॉल्स क्यों क्योंकि यहां पर जो निडेरिया फाइलम है उसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र नहीं पाया जाता है ओके ओके मैम नर्वस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता है भाई जब मैंने कह दिया कि बस टिश्यू बना है कोई सिस्टम नहीं पाया जाएगा तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जाएगा वैसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खून वाला तंत्र और अगर हम बात करें नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तंत्रिका तंत्र कुछ भी नहीं बना है ये या आपको याद रखना है ठीक है क्यों मैम की ये बात याद रखना कि हाँ उ पाया जाता है लेकिन अभी कोई सिस्टम नहीं बना है ओके ओके मैम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अब देखो इनकी इनकी विशेषता क्या है पूरी फेरा की विशेषता क्या थी मैम बॉडी पे ऐसे छेद पाए जा रहे थे ठीक है इनकी विशेषता क्या है बच्चा इनके इनका शरीर शरीर धागे धागे की तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है धागे की तरह है ठीक है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जेली फिश. फिश हमेशा याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जेली किस जेलीफिश किस फाइलम से बिलोंग करती है याद रखना निडीरिया फाइलम ठीक है निडीरिया फाइलम ये सी से लिखते हैं लेकिन प्रोनाउंशियशन निडीरिया लिखते हैं एन से इसका प्रोनाउंशियशन है ये देखो ये है जेलीफिश ठीक है बच्चा ये क्या है ये जेलीफिश है जेली फिश है आप कहोगे मैम फिश है तो मछली वाले फाइलम में रखो बच्चा इसका नाम है जेली फिश लेकिन ये सच्ची मछली नहीं है क्यों क्योंकि सच्ची मछली होने के लिए क्या होना चाहिए सच्ची मछली होने के लिए उसके पास गिल्स होना चाहिए है ना मछलियों के पास हार्ट भी होता है लेकिन यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बना है इनमें तो ये मछली इसका नाम दे दिया गया है कि पानी में रहती है लेकिन याद रखना ये मछली नहीं है बस नाम रख दिया गया है ओके डन आ जाइए कैसे किसी किसी का नाम कलुआ रख देते हैं लेकिन वो काला नहीं होता है है ना वैसे ही समझ जाइए तो है। है? धागे की तरह लाइक स्ट्रक्चर -like है।, -like है इस तरीके से देखो थ्रेड लाइक -like स्ट्रक्चर है ठीक है ये इनकी विशेषता है ये इनकी विशेषता है ठीक है हाँ मूंगा मूंगा बिल्कुल अभी बता रहे मूंगे के बारे में मूंगा देखो ये देखो मूंगे की चट्टान ठीक है ये क्या है ये ग्रेट ब्रीफ ग्रेट वेरियर रीफ जो है जिसे हम हिंदी में कहेंगे मूंगे की चट्टान ठीक है मूंगे की चट्टान बच्चा जो मूंगे की चट्टान है ना चट्टान जो मुंगे की चट्टान है ठीक है वो आपको याद रखना है वो कहाँ से बनती है वो आपको याद है जो निडेरिया फाइलम के जानवर हैं वही बनाते हैं जो निडेरिया फाइलम के जानवर हैं वही मुंगे की चट्टान बनाते हैं कैसे अगर हम बात करें मैम कैसे बच्चे जो निडेरिया फाइलम के जानवर है ना उनके ऊपर ऐसे क्या पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम क्या कहते हैं सी एक तरीके का पत्थर है उसकी लेयर पाई जाती है इनके ऊपर ठीक है उसकी एक तरीके का क्या है कैल्शियम कार्बोनेट तरीके का आप लिख लो स्टोन है पत्थर है तो उनके शरीर पे पत्थर पाया जाता है उसी से इन्होंने ये पूरा देखो पत्थर 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 मिलके इन्होंने पूरा एक चट्टान बना दी है ठीक है तो ये कौन से फाइलम के जंतु बनाते हैं निडीरिया फाइलम के ओके निडीरिया फाइलम के डन है मामला आगे आगे चलते हैं आगे चलते हैं ये देखो अब एक बच्चा बहुत पूछ रहा था मैम हाइड्रा के बारे में बता दीजिए हाइड्रा हाइड्रा आप सभी को याद रखना है हाइड्रा की खोज ल्यून हॉक ने की थी और आपको याद रखना है कि जो हाइड्रा की खोज ल्यूवन हॉक ने की थी वो भी निडेरिया फाइलम से है कितना अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रा देखो मैं यहां मैं कह सकती हूँ हाँ जो है पचास परसेंट ठीक है पचास प्रतिशत फिफ्टी परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा कि हाइड्राइक प्लांट है हाइड्राइक प्लांट है ठीक है हाइड्रा की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है ठीक है बच्चों को लग रहा होगा कि हाइड्राइक प्लांट है हाइड्राइक पौधा बच्चा हाइड्राइक जानवर है और कौन से फाइलम में आता है निडीरिया फाइलम में आता है ये आप लिख लीजिए आप लिख लीजिए कि हाइड्रा इज अ एनिमल विच बिलोंग्स इन विच बिलोंग्स इन निडीरिया फाइलम ठीक है डन मामला ओके चलिए अब देखो जेली फिश जेली फिश तो हमने नाम लिखा रखा दिया ठीक है जैसे कोई काला इंसान नहीं होता फिर भी उसका नाम कई बार कलुआ पड़ जाता है लेकिन कलवा उसका प्यार से बुलाने वाला नाम है उसका एक्चुअल नाम भी कुछ होगा है ना राम श्याम मोहन सोहन जो भी उसका नाम है उसका एक, एक एक्चुअल नाम भी होगा वैसे ही प्यार से हम मछली को जेलीफिश बुला रहे हैं जो ऐसे थ्रेड लाइक -like स्ट्रक्चर था उसे जेलीफिश बुला रहे हैं प्यार से हालांकि वो मछली नहीं है लेकिन उसका एक्चुअल नेम क्या है उसका एक्चुअल नेम है ओरियला दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि जेली फिश का दूसरा नाम क्या है कितने बच्चे ऐसा जानते थे कि जेली फिश का दूसरा नाम ओरियला है ये एग्जाम का क्वेश्चन है सब एग्जाम के क्वेश्चन है कि जेली फिश को क्या एग्जाम का क्वेश्चन है जेली फिश को क्या कहा जो है जेली फिश को क्या है जेली फिश जो है उसका दूसरा नाम क्या है ओरियला ये एग्जाम ऐसे नोट डाल के लिखो कि जेली फिश जेलीफिश रियल नेम इज ओरियला ठीक है ऐसे आप अपने नोट्स बनाते चले हालांकि मैं पीडीएफ दे दूंगी अपने नोट्स की बात अलग होती है है ना इसलिए मैं कह रू नोट तो मैं दूंगी ग्रेट <coughs> मैम लिवन हॉक ने कोशिका की भी खोज की थी यस yes, यस yes. ल्यूबन हॉक ने कोशिका की खोज की थी कौन सी कोशिका लिविंग सेल की खोज की थी जीवित कोशिका की खोज की थी ने की खोज की थी ठीक है शुक्राणुओं की खोज की थी ल्यूबन हॉक ने बहुत काम किया था इन्होंने एक बुक भी लिखी थी क्या कि सीक्रेट्स ऑफ नेचर ठीक है बहुत सारा काम किया था इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी आरबीसी की खोज की थी बहुत सारा काम किया है ल्यूबेन हॉक ने चलिए तो ऑर्यला को जेली फिश कहा जाता है जो एक सच्ची मछली नहीं है यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि हाँ इसे मछली कहा जाता है जेली फिश कहा जाता है लेकिन दिस इज़ नॉट अ ट्रू फिश ये सच्ची मछली नहीं है ठीक है ये भी आपको नोट करनी है बातें आइए अगले पे चलते हैं अगला क्या है मैं अगला है बच्चा प्लेटी हेलमिथिस ठीक है प्लेटी हेलमिंथिस अभी इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊंगी इसके बारे में अभी आपको मैं बहुत अच्छी बात बताऊंगी प्लेटी हेलमिंथिस ओके कह रहा है दिस इज सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल का मतलब बच्चा ये देखो अगर मैं इसको ऐसे बीच से काट दू ठीक है तो जैसे ये वाला पार्ट रहेगा वैसे ये वाला पार्ट आएगा तो यही कह रहा है कि ये क्या है बायोलेट्रली सिमेट्रिकल है हम भी बायोलेट्री सिमेट्रिकल है क्यों क्योंकि अगर कोई यहां बीच से काट दो तो एक आंख इधर एक आंख इधर एक हाथ इधर एक हाथ इधर एक, एक पैर इधर एक पैर इधर ओके डन यही कह रहा है अब देखो ये देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं इससे पहले हमने क्या पढ़ा है इससे पहले मैम हमने निडेरिया फाइलम पढ़ा है अगर मैं लिख दूं कि क्या जो निडेरिया फाइलम आपने पढ़ा है क्या उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा था बताइए Osionfish. मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है इससे पहले हमने निडेरिया फाइलम पढ़ा है जहां पर हमने जेली फिश के बारे में पढ़ा बताओ क्या जेली फिश में यानी निडेरिया फाइलम में डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा था क्या उसमें पाचन तंत्र पाया जा रहा था मुझे आपसे पूछना है बताइए बच्चा क्या इसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र पाया जा रहा था आप मुझे बताइए क्या निधी? अगर एग्जाम में आ गया क्या निडेरिया फाइलम में डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है आप क्या बताएंगे क्या बताओगे क्या बताओगे बहुत अच्छा नो 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 एक साथ आंसर आना शुरू हो गया है नो 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा लेकिन लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि बच्चा यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है ये स्टार डाल डाल के लिख लीजिए डेवलप्ड मतलब बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें पाया जा रहा है हाँ उसमें जो है टिश्यू बन गए थे लेकिन कोई जो है सिस्टम नहीं बना था लेकिन बच्चे इनमें टिश्यू के साथ सिस्टम बनना शुरू हो गया जैसे हम आके घर भाषा में आए एक कोशिका आई कोशिका से हमारे टिश्यू बने टिश्यू से हमने हमारे एक एक ऑर्गन बनने शुरू हो गए पहले लीवर बना मान लो ठीक है फिर हार्ट बना फिर किडनी बनी ऐसे ऐसे क्या हुआ इनके भी अंदर क्या हुआ इनके अंदर टिश्यू के साथ साथ इनके अंदर सिस्टम भी बनने शुरू हो गए कौन सा सिस्टम देखा गया पाचन तंत्र देखा गया एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा जो प्लेटी हेलमिथिस हैं क्या इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है आप कहेंगे यस यस पाया जाता है बिल्कुल पाया जाता है और डेवलप्ड एक बढ़िया डेवलप्ड का मतलब ऐसा नहीं कुछ भी बन गया एक बढ़िया सुचारू रूप से बना हुआ है ओके ओके मैम ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है अब देखो इतना अच्छा पॉइंट यहाँ पे आ गया बच्चा डाइजेस्टिव सिस्टम तो बन गया था थोड़े बहुत ऑर्गन बनने शुरू हो गए थे लेकिन अभी भी इनमें ब्रेन नहीं पाया जाता है ना देखो हम हमेशा आप आप, आप कभी भी जो है आ, जो आ, आ, मैं कहूँगी दुखी दुखी मत होया करो कभी भी क्यों हमेशा खुश रहा करो क्यों क्योंकि हम ह्यूमन है ठीक है हमारे अंदर सब कुछ है बच्चे हमारे अंदर है, जो है नर्वस सिस्टम भी है सर्कुलेटरी सिस्टम भी है डाइजेस्टिव सिस्टम भी है लेकिन ये बेचारे देखो अब इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम तो गया इनका खाना तो पच जाएगा लेकिन इनके अंदर ब्रेन नहीं और बताओ अगर ऐसा कोई इंसान है खाना तो कोई कोमा में गया व्यक्ति भी अपना पचा लेता है है ना कभी आपने देखा होगा जो कोमा में व्यक्ति गया है उसका खाना जो है पच जाता है तो अगर वो खाना पचा सकता है तो एक तरीके से इनका इनका जीवन ऐसा ही है बिना ब्रेन के क्या कर रहे कर, क्या कर पाएंगे ठीक है तो इनके अंदर जो है ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है ठीक है दीज आर पैरासाइट्स ये और अच्छा क्वेश्चन ये और अच्छा पॉइंट है कि ये क्या है ये परजीवी है मैम परजीवी का मतलब कैसा होता है मतलब जैसे बाल आपके बाल में जू होते हैं कहने का मतलब कि जो अपना खाना खुद से नहीं बनाएंगे ये आपकी बॉडी में चले जाएंगे और आपसे ही आप जो खाना बनाओगे उसी में से ले लेंगे भाई थोड़ा सा दे दो थोड़ा सा दे दो जैसे जू है जूँ क्या करते हैं ऐसा नहीं है कि वो अपना खाना जो है खुद से बना लेते हैं है ना जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद से बना लेते हैं सन से क्या लेते हैं सनलाइट लेते हैं और क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आपका कहाँ से लेते हैं एटमॉस्फेयर से लेते हैं अपना खाना बना लेते हैं सिमिलरली जो ये है आपके पैरासाइट्स हैं ये क्या करते हैं ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते ये दूसरों के बॉडी में जाएंगे दूसरों के बॉडी में चले जाएंगे और वहाँ से अपना खाना लेंगे ठीक है इसका एक एग्जाम्पल है टैपॉर्म ठीक है और दूसरा यहाँ पर है ल्यूवर फ्लॉक ठीक है आइए आगे चलेंगे आगे ये देखो ठीक है इनका कुछ एग्जाम्पल यहां पे भी दिया हुआ है ठीक है इनके कुछ एग्जाम्पल्स के नाम दिए हुए हैं आपको देख लेना है अब हम आते हैं अगले पर ठीक है अब हम आते हैं अच्छा एक एक बात और बता दूं देखो एक आपने सुना होगा हाथी पाओ रोग ठीक है जिसे एलिमेंट फूड कहा जाता है कभी किसी को देखा किसी का एक पैर बहुत मोटा हो जाए यहाँ फोटो नहीं लाई नहीं मैं फोटो दिखाती कभी किसी को देखा कि जो है हाथी पाओ रोग वाले इंसान को देखा कि उसकी ए, ए, उसका एक हाथ बहुत मोटा हो जाता है या उसका एक पैर बहुत मोटा हो जाता है, है ना हमारे गली में भी एक अंटी है उनका एक पैर एक पैर इतना मोटा है इतना मोटा ठीक है तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं हाथी रोग, ठीक है उसे क्या कहते हैं जो है एलिमेंट फूड कहते हैं बच्चा और ये किससे होता है ये आपको याद रखना है ये देखो ये जो ये

हाथी रोग इसी से होता है यही यही चला जाता है बच्चा बॉडी में चलिए आगे चलते हैं अब आते हैं एनीलिडा फाइलम में एनीलिडा फाइलम में किसे रखा गया है एनीलिडा फाइलम में आपको याद रखना किसान के मित्र को रखा गया है किसान का मित्र अब अगर आप पूछोगे मैम किसान का मित्र कौन होता है अगर आप मेरे से पूछेंगे मैम किसान का मित्र कौन होता है फार्मर्स फ्रेंड फार्मर्स फ्रेंड कौन कौन होता है तो बच्चा मैं लिखूंगी अर्थवॉर्म ठीक है अर्थवॉर्म लिख दूंगी या मैं लिख दूंगी केचुआ

कहोगे मैम एक बढ़िया सा मैम कोई मतलब इनके शरीर में क्या ऐसी बनावट होती है जैसे निडीरिया वाले में धागे वाली स्ट्रक्चर थी पोरी फेरा में छेद पाए जा रहे थे और जो हेलमेंट था वो सिमेट्रिकल था मैम इसमें क्या है मैम इनका कोई एक विशेष बता दो कि इनके शरीर में इनके शरीर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं अगर इसकी फोटो लगाई कि इसने नहीं लगाई इसी को जूम करते हैं अगर इनकी फोटो तुम बहुत प्यार से देखोगे ठीक है तो बच्चा इनके फोटो इनके फोटो पर आपको अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो इनके फोटो पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा इनके फोटो पर ऐसे आपको रिंग लाइक -like स्ट्रक्चर ऐसे छल्ले दिखाई दे रहे हैं ऐसे जो है छल्ले दिखाई दे रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो रिंग रिंग लाइक -like स्ट्रक्चर है ठीक है छले नुमा संरचना है क्या है छल्ले नुमा संरचना है ये किसके शरीर पर पाया जाता है बच्चा जो कैचुए होते हैं जो यानी लीडा फाइलम में होते हैं ठीक है जोंक देखना जोंक को पकड़ के जिसे इंग्लिश में लीच कहा जाता है लीच को पकड़ के देखोगे तो उसके शरीर में भी ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ठीक है तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है जिनका शरीर ऐसे खंडों में बटा होता है सेगमेंट में बटा बता बटा होता है छलों में बटा होता है वो कौन से फाइलम में रखे जाते हैं एनी लीडा फाइलम में रखे जाते हैं जोंक भी यही रखी जाती है ठीक है जोंक भी यही रखी जाती है और अगर हम बात करें कि मैम इसके एक खंड को क्या कहते हैं ये बहुत डीप में आपके एग्जाम में नहीं आएगा ठीक है नीट वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है लेकिन लिख लो सटाई कहा जाता है ठीक है सटाई इनका जो एक खंड होता है एक खंड का नाम बहुत सारे ऐसे ऐसे सारे सटाई से मिलकर इनका शरीर बना होता है एक खंड का नाम होता है सटाई ठीक है सटाई ओके डन है मामला चलिए आ जाइए अब इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं ठीक है आपसे कहा जा रहा है क्या कहा जा रहा है कि ब्रेन इज फाउंड बट इन प्राइमरी स्टेट एंड स्पेशलाइज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं देखो कितना अच्छा है इससे पहले वाले के जो इससे पहले हमने पढ़ा है प्लेटी हेलमेंटिफ उनमें डाइजेस्टिव उन सिस्टम पाया जा रहा था यस yes मैम डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जा रहा था नर्वस सिस्टम ब्रेन पाया जा रहा था नो no मैम ब्रेन नहीं पाया जा रहा था इनमें कहा जा रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तो बहुत बढ़िया पाया, पाया जाता है स्पेशल तरीके का पाया जाता है ठीक है क्या कहा जा रहा है कि पाचन तंत्र जो है वो तो मतलब एक नंबर का पाया जाता है स्पेशल देखो यहाँ लिखा हुआ स्पेशल है ना लेकिन जो ब्रेन है ब्रेन ब्रेन बच्चा बनना शुरू हो गया है लेकिन अभी प्राइमरी स्टेट पे है मतलब हमारा बहुत डेवलप्ड है हमारा बहुत हाई लेवल का जो है ब्रेन है लेकिन जो केंचुए का ब्रेन है हाँ अगर आपसे पूछे कि क्या में ब्रेन पाया जाता है कहोगे हाँ जी पाया जाता है कहेगा डेवलप्ड कहोगे नहीं कैसा प्राइमरी स्टेट ठीक है प्राइमरी स्टेट प्राथमिक अभी बिल्कुल बिल्कुल जो है बनना शुरू हुआ है प्राथमिक स्टेट का प्राथमिक स्तर प्राथमिक स्तर का जो है दिमाग मस्तिष्क इनके अंदर पाया जाता है तर लिखेंगे इस तरह ठीक है ये आपको जरूर याद रखना है ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हाँ इससे प्लेटी हेलमेंथिस क्या पाया जाता है मैम उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया था लेकिन आपने कहा था जैसे कोमा वाला व्यक्ति होता है कि भाई उसका डाइजेशन सिस्टम काम करता है लेकिन मैम उसका ब्रेन काम नहीं करता इनमें क्या है इनमें थोड़ा सा जो व्यक्ति है वो कोमा से बाहर आ गया है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम तो एकदम बढ़िया चल रहा है लेकिन ब्रेन बिल्कुल बिल्कुल लो लेवल का है प्राथमिक लेवल का ठीक है मामला ओके मैम उसके बाद में कह रहा है फाउंड इन मॉइस्चराइजर आप सभी जानते हैं जब बारिश आती है तब केंचुए ज्यादा दिखने को मिलते हैं ऐसे ही याद कर लो कि जब बारिश आती है ठीक है सावन आया है, है ना तो सावन में तुम निकलते हो है ना रंगीन मौसम में वैसे ही इनको भी रंगीन मौसम पसंद है ये ऐसे करके आप याद रख सकते हैं ठीक है डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ठीक है बच्चा सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें बहुत बढ़िया पाया जाता है हाँ अभी अच्छा ब्रेन नहीं बना है ब्रेन अच्छा नहीं बना है कह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम तो बिल्कुल हाई क्लास का मतलब स्पेशल

ठीक है बच्चा कॉकरोच जो वो उल्टा चश्मा वाला आता है उसमें कॉरकोच बोलती है वो क्या नाम होता है जो उल्टा चश्मा में लेडी है क्या नाम है में? उसका नाम नहीं याद आ रहा सबको पता होगा ताड़क मेहता का उल्टा चश्मा उसमें जो लेडी होती है उनका क्या नाम होता है मीना कुछ नाम होता है तो वो कॉकरोच को कॉरकोच बोलती है कॉरकोच है ना सुना तुमने चले आ जाइए अब बच्चा देखो ऑर्थ्रोपोडा में आपको कैसे याद रखेंगे मैम 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 इनके इनके शरीर की में? में, इनके शरीर की की विशेषता विशेषता क्या क्या है है किसी पे छेद पाए जा रहे हैं किसी का शरीर धागे की तरह है किसी का शरीर जो है खंडों में बटा है मैम इनकी विशेषता क्या है मैम हाँ दया है दया बिल्कुल दया बिल्कुल दया नाम है बिल्कुल सही बता रही है आ, बता रहे हैं चलिए सब देखते हैं <laughs> है ना मतलब नंबर वन शायद अभी तक वो सब नंबर वन कॉमेडी सीरियल अभी तक शो वो बना हुआ है चलिए आ जाइए तो बच्चा ध्यान से देखो ऑर्थ्रोपोडा जो है ऑर्थ्रोपोडा ध्यान से सुनना ये पोडा का मतलब क्या होता है मैम पोडा का मतलब होता है पैर ध्यान से सुनना पैर ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट इसका मतलब बच्चा कि ऐसे जानवर जिनके पैर ऐसे जुड़े होंगे जैसे कॉकरोच है कॉकरोच आपने हमेशा सीधा चलते हुए देखा है कभी कॉकरोच को पकड़ना है ना और उसको उल्टा करके देखना लड़कियां तो क्या ही देखेंगी लड़कियां तो जिस कमरे में होता है उस कमरे में नहीं जाते लेकिन लड़के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कॉकरोच घर में आए आज के बाद उसको लेना पकड़ना और बच्चा उसे पलट देना जब कॉकरोच को उल्टा करके देखोगे ना जब कॉकरोच को उल्टा करके देखोगे ना उसके पैर ऐसे जुड़े होते हैं आपस में हमेशा देखना चाहे आज एक्सपेरिमेंट कर लेना उसके बस मारना ही कमो है ना फेरवेंट करके मार दो तो ऐसे करके जो है क्या है उनके पैर उल्टे जुड़े होते हैं तो ऐसे ऐसे कीड़े और एक बात आपको बता दूं इसमें ना ऑर्थ्रोपोडा में सभी प्रकार के कीड़े आते हैं कीड़े यानी इंग्लिश में कहेंगे इंसेक्ट इंसेक्ट आते हैं इसमें कीड़े आते हैं तो कीड़ों के पैर ना ऐसे कीड़े जिनके पैर आपस में जुड़े हो किसमें आते हैं ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं ऐसे जीव जिनके पैर जोड़े में होते हैं समझ में आ गई बात ओके okay, मैम और इसमें एंटीना पाया जाता है अरे भाई चिंटियों में ऐसे एंटीना पाया जाता है ना तो इनमें एंटीना पाया जाता है एंटीना पाया जाता है ये इनका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है बटरफ्लाई हो गया चिंटी हो गया कॉकरोच हो गया ठीक है आपके बिच्छू स्पाइडर्स हो गए ये सब चलिए तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है ओके कि जैसे कॉकरोच हो गया क्रैप केंकड़ा हो गया ठीक है आपका जो है प्राउन हो गया ये सब इसमें आते हैं आपको याद है ना आ हो गई ठीक है ऑल इंसेक्ट्स हैव थ्री पेयर्स छ तीन पेयर होते हैं ठीक है यानी एक जोड़े में दो आएगा तो तीन पेड़ हो गए तो छह पैर हो गए इनके पास ओके लेकिन जो मकड़ी और बिच्छू है उनमें आठ पैर होते हैं इसीलिए इन्हें कीड़े में शामिल नहीं किया जाता है तो ये देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि म, जो मकड़ी है ठीक है और क्या है बिच्छू है उनके आठ पैर होते हैं बाकी कॉकरोच हो गया या बटरफ्लाई हो गया है ना या जो जो भी है उन सब में कितने पाए जाते हैं छे छह पैर पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है उनमें छह पैर पाए जाते हैं ये आपको याद रखना है चलिए आ ये कह रहे मैम आपने एक्सपेरिमेंट किया है क्या यस यस चलिए अब आते हैं एकाइनोडर्मेटा ये एक संघ और है ये एक संघ और है मैं सबकी ट्रिक बता रही हूँ याद करने की ठीक है इनके नाम में ही छुपा हुआ बच्चे डर्म सबसे पहले डर्म शब्द पकड़ो डर्म का मतलब होता है स्किन ठीक है स्किन आप सब जानते हैं जब आप स्किन दिखाने जाते हो कभी पिंपल्स हो जाते हैं या स्किन में कोई भी इन्फेक्शन हो गया जो है रेसेस हो गए कुछ भी अगर स्किन इन्फेक्शन होता है तो जिस डॉक्टर के पास जाते हो उसे डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है आई एम आई राइट बिल्कुल मैम डर्मेटोलॉजिस्ट तो डर्म शब्द, मतलब तो तो शब्द, मतलब इस मतलब शब्द का मतलब होता है कि स्किन वाला डॉक्टर है ना तो जो स्किन स्किन तो डम शब्द का मतलब है स्किन इसका मतलब मैम इसमें इस जो फाइलम है ये स्किन से रिलेट करेगा त्वचा से रिलेट करेगा यस बच्चा एकाइनो शब्द का मतलब होता है स्पाइन स्पाइन का मतलब होता है बच्चा स्पाइन का मतलब होता है कांटे इसका मतलब थोड़ा सा मामला समझ में आ रहा है कोई ऐसे जानवर बच्चा जिसकी त्वचा पे कांटे पाए जाए ध्यान से सुनना कोई ऐसे जानवर जिनकी स्किन यानी त्वचा पे है अभी तक आपने जितना पढ़ा है निडेर या जो पोरी फेरा, और आपने अभी तक जितना पढ़ा मैंने जितना पढ़ा है, इन सब है सबसे डेवलप्ड ये है एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा कि जितने फाइलम आपने अभी तक पढ़े हैं ठीक है जो भी मैंने कह दिया इनमें सबसे विकसित कौन सा है तो बच्चा याद रहा दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड एनिमल ठीक है ये सबसे ज्यादा विकसित जानवर है अभी तक आपने जितना पढ़ा है ठीक है इसमें क्या होता है पाचन तंत्र मस्तिष्क और तंत्रिता तंत्र पाए जाते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है कि सब कुछ पाया जा रहा था अभी में हम किसी में देख रहे थे किसी में ब्रेन नहीं पाया जा रहा और पाया जा रहा तो प्राइमरी लेवल का पाया जा रहा किसी में सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जा रहा किसी में डेवलप जो है डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया जा रहा इसमें सब कुछ पाया जा रहा है इतने क्लियर लिखा हुआ है कि इनमें जो है क्या है ब्रेन नर्वस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम सब पाया जा रहा ठीक है एग्जाम्पल स्टार फिश स्टारफिश ठीक है आपने देखा होगा स्टारफिश कई बार इस तरीके से आपने तो स्टारफिश आपसे एग्जाम में पूछेगा आपसे आती है आपने याद रखना एकाइनो डरमेटा में स्टारफिश आती है ठीक है स्टारफिश यहाँ आएगा इसे क्या कहते हैं सी कुकुम्बर ठीक है जैसे खीरा खाते हो ना तो ये एक समुद्री खीरा होता है है ना इसका भी सैलेड खा सकते हैं आप खाओगे हैं चाइना वाले तो खाते रहते हैं तुम तो में से कौन खाना पसंद करेगा ये वाला खीरा ये वाला खीरा कौन सा खाना पसंद करेगा भाई एकाइनो वाला हाँ जी प्लांट किंगडम का जो खीरा होता है वो तो आप खाते हैं ये खा सकता है कोई हाँ हाँ ये स्टार फिश है बिल्कुल ये से तारा मछली कहते हैं स्टार फिश तारा मछली तारा मछली ओके क्लियर है बातें आइए आगे चलें आ जाइए आज आप कुछ क्वेश्चन है क्वेश्चन लगाइए ये जो है आपको मैंने जो पढ़ा दिया डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह से वहां से क्वेश्चन है मैं देखूंगी कितना आप तैयार होके आए हैं पढ़ने के लिए बताइए अगर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है नेम ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल का सबसे बड़े भाग का नाम बताइए आहार नाल क्या है मैंने कहा था यहाँ ये यह माउथ होता है यहां से खाना सब शुरू करते हैं ये गले से खाना है गले से खाना पेट में जाता है ठीक है पेट से छोटी आंत में खाना जाता है ये बातें बताई हुई है और छोटी आंत से ऐसे बड़ी आंत जुड़ी हो जुड़ी होती है बच्चा ऐसे ऐसे आपकी बड़ी आंत जुड़ी होती है फिर ये एनस के माध्यम से खा जो डाइजेस्ट जो डाइजेस्टिव अनडाइजेस्टिव फूड है जिसे हम क्या कहते हैं जिसे हम गुदा कहते हैं ठीक है तो आपका जो मल है यहाँ से बाहर निकल जाता है और ये माउथ तो आप यहाँ से खाना खाना शुरू करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये यह पूरा 9 फीट का माना जाता है 9 मीटर का माना जाता है ठीक है और अगर हम बात करें 9 मीटर का माना जाता है तो पूछा जा रहा है इनमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है ये जो मैं आपको पूरा चित्र मैंने बना दिया पूरी फोटो मैंने बना दी इनमें सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है बहुत अच्छा बताया बच्चे ने कि मैम स्मॉल इंस्टेंट बिल्कुल स्मॉल इंस्टेंट आइन बच्चा जिसे छोटी आंत कहते हैं ठीक है इसे ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है इस इसमें नहीं जाएंगे छोटी आंत हम इसे ही कहते हैं ये सबसे बड़ी है ठीक है छोटी आंत सबसे बड़ी है मैम कितनी लंबाई होती नौ मीटर का तो ये पूरा है नौ मीटर का तो ये पूरा है और बच्चा इसमें से लगभग छह से लेकर सवा छ मीटर तक ये अकेला है ठीक है सवा छह मीटर इसने अकेले ही घेर रखा है तो नौ मीटर का तो पूरा है सवा छह मीटर तक इसने घेर रखा तो ऑबियसली बात है सबसे बड़ा हुआ ठीक है बातें डन है बहुत अच्छा हाँ बी ऑप्शन स्मॉल इंसेंटाइन छोटी आंट बहुत सही बताया आपने चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आ जाइए अगला क्वेश्चन है शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है है बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी अगर याद नहीं है तो एक बार मैं आज फिर से बताऊंगी पहले आप आंसर कर दीजिए कि जो प्रोटीन खाते हैं मैंने कहा था आप तीन चीजें मेनली खाते हो कुछ भी खाते हो या तो आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो या आप प्रोटीन खाते हो ठीक है या आप बच्चा फैट यानी वसा खाते हैं है ना वसा खाते हैं प्रोटीन प्रोटीन ठीक है इसे शर्कर कहेंगे ये सारी चीजें आप खाते हैं मेनली यही तीन चीजें खाते हैं तो पूछा जा रहा है कि जो प्रोटीन खाते इसका पाचन शुरू होता है देखो कार्बोहाइड्रेट का तो मैं बता दूं मुंह में शुरू होता है मुंह में ठीक है और इसका इसका छोटी याद में में स्मॉल प्रोटीन का आप बता दीजिए प्रोटीन का आप बता दीजिए क्या बता रहे हैं सी ऑप्शन बता रहे सी ऑप्शन बता रहे गलत है सी ऑप्शन वाले गलत है बी ऑप्शन सही जाएगा पेट कैसे याद रखोगे देखो बिल्कुल लॉजिक से याद रखना क्या हिंदी इंग्लिश मत देखना बस मेरी बातों पे ध्यान देना ठीक है ये इंग्लिश है ये हिंदी है देखो पी से अगर मैं लिखूं पी से मैं लिखू वोटीन ठीक है और पी से ही क्या है पेट ठीक है तो ये पेट और प्रोटीन आपको याद रखना है पेट और पेट जो प्रोटीन का पाचन वो पेट में शुरू होता है ऐसे याद रखना कि प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है ऐसे याद रखेंगे ठीक है तो यहाँ पे जिन बच्चों ने ऑप्शन बताया है बी उनका बिल्कुल सही आंसर है बी ऑप्शन वाले बच्चे अपने लिए ताली बजा सकते हैं बी ऑप्शन वाले बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है यस 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बता रहे हैं आप सभी बहुत अच्छा बता रहे हैं आप सभी आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं शरीर में शरीर में सब मौजूद सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताइए आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, ठीक है डेंटिन है पल्प है इनामेल है दिस। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग मैंने बताया था सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी और मैं ये भी बताऊंगी कि रीजन क्या है कि वो सबसे ज्यादा जो है हार्ड है बच्चा एक बात बताऊं इतना हार्ड है ना कि जब अंतिम संस्कार करते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार करते हैं फिर उसकी जब उसको जला देते हैं जलाने के बाद जब अस्थियां चुगने जाते हैं बच्चा तो वहां पर भी उसका वो वाला पार्ट एज इट इज मिलता है क्यों क्योंकि इतना हार्ड है कि जलता ही नहीं है इतना हार्ड है कि जब उसे जलाते हैं तो वो जलता ही नहीं है बताइए क्या पार्ट आ जाएगा दांत बहुत अच्छा दांत नहीं कहेंगे बच्चा दांत से दांत से दांत से दांत का ही पार्ट है ये बहुत तो सही कह रहे हैं दांत का ही पार्ट है दांत का कौन सा पार्ट है इनामेल वाला पार्ट है कौन सा इनामेल ठीक है इनामेल बिल्कुल सही कह रहे हैं ठीक है इनामेल इनामेल वाला पार्ट बहुत ज्यादा हार्ड है अगर पूछोगे अगर पूछोगे कि मैम इसका रीजन क्या है ये इतना हार्ड क्यों है पहली बात एग्जाम में याद रखना कि पूछा जाता है किसका बना होता है बच्चा ये बना होता है सी ए सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा मोटा पेन हो गया कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है चूना पत्थर अब कोई चीज अगर पत्थर से बना है ठीक है हिंदी इंग्लिश में कहेंगे लाइमस्टोन अगर ये चूना पत्थर का बना है तो क्या पत्थर मजबूत नहीं होगा यही रीजन है ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट और बच्चा यहां इसमें ना पानी पाया ही नहीं जाता वाटर अगर पूछ ले पानी पूछ ले पानी का परसेंटेज जो पूछ ले जीरो परसेंट जीरो परसेंट में पानी है अब एक बात बताओ अगर किसी चीज़ में हम पानी नहीं डालेंगे मिट्टी ले लो मिट्टी मैं बिल्कुल एग्जाम्पल दे दूँ ईजी सा मिट्टी ले लो मिट्टी को मैं आप मिट्टी को कहीं रख दो ठीक है अब उस मिट्टी में कई दिनों तक साल दो साल पानी नहीं जाए तो मिट्टी भी अपने आप में बहुत हार्ड हो जाती है ठीक है तो ये तो पत्थर है ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये आपके फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स आप कितना तैयार करके रखे हैं आपसे पूछा जा रहा है आपका बेसिक इन इंटरनेशनल एस आई एस आई यूनिट समझते हो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एस SI आई यूनिट में आपकी टोटल कितनी राशियां रखी गई हैं? तीन सात छः दो बता दो जल्दी से बता दो मैं आपको नाम बता दूंगी आप संख्या बता दो कितनी रखी गई है नाम मैं बता दूंगी संख्या आप बता दो नाम मैं बता दूंगी और कोई होशियार बच्चा है जिसकी फिजिक्स बहुत अच्छी है फिजिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है और फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट तो वो नाम भी लिख सकता है संख्या आप बता दीजिए कोई बहुत ज़्यादा जो है किसी बच्चे को पता है तो वो नाम भी लिख देगा सात बहुत सही बताया आपने सात ठीक है पहला लिखो मैं हिंदी में लिख देती हूँ लंबाई लेंथ ठीक है टाइम समय उसके बाद में आपकी क्या हो जाएगी मास द्रव्यमान ठीक है द्रव्यमान और क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक करंट ठीक है उसके बाद में आपका टेम्परेचर हो जाएगा तापमान ओके उसके बाद में आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता ज्योति तीव्रता ठीक है उसके बाद में आपके हो जाएगी अमाउंट ऑफ सबिस्टेंस अमाउंट अमाउंट ऑफ

रिगार्डेड एज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग देखो लिविंग क्या है मैं एक लिविंग हूँ हाँ जी मैं मैं एक जीव हूँ यस मैम ओके मैं सामने बोर्ड है ये नॉन लिविंग है ठीक है या मार्कर है ये नॉन लिविंग है आपसे पूछा जा रहा है या टेबल रखी है नॉन लिविंग है निर्जीव है आपसे कहा जा रहा है इन दोनों के बीच की जो संयोजक कड़ी कौन सी है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की संयोजक कड़ी कौन सी है जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे रहेगा मैं समझ जाऊंगी पढ़ता है क्यों क्योंकि ये मैंने सेल चैप्टर में अभी पढ़ाया था जब मैं कोशिका पढ़ा रही थी तो मैंने ये डिस्कस किया था तो लिविंग नॉन लिविंग के बीच में कौन मुझे बताएगा कि क्या है संयोजक कड़ी क्या है संयोजक कड़ी अमीबा है वायरस है बैक्टीरिया है आर है कौन बताएगा मुझे एक कह रहा आर कुछ भी मतलब कुछ भी एक कह रहा आर एक कह रहा ए ऑप्शन या तो आर एन ए के साथ जा रहे हो या ए ऑप्शन के साथ जा रहे हो है ना सही आंसर बस एक बच्चे ने क्या है वो है विशाल यादव विशाल यादव ने बहुत सही आंसर किया है बाकी किसी का आंसर सही नहीं है ठीक है किसी का भी सही आंसर नहीं है ठीक है राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं बच्चा गलत है ठीक है अनूप गौतम पहली बात तो आपने सही फुल फॉर्म नहीं लिखा है और गलत लिखा है यहाँ पे आंसर आएगा वायरस मैं आपको समझाती हूँ क्यों मैं आपको समझाती हूँ क्यों होता है ऐसा मैं आपको समझाती हूँ बच्चे देखो ध्यान से देखो वायरस आप सब जानते हैं कोरोना वायरस आपकी जिंदगी में आया था हाँ जी मैम हमारी जिंदगी में कोरोना वायरस आया था और मजे ला दिया था हमारी छुट्टियां करवा दिया था है ना? है ना क्या ध्यान से सुनिए वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है मैं, बोलो मैम कैसे देखो बच्चा जैसे मान लो कोरोना वायरस इस टेबल पे है टेबल क्या है नॉन लिविंग है जब वो नॉन लिविंग पे है तो वो क्या है नॉन लिविंग है ठीक है जब वो किसी निर्जीव के ऊपर पड़ा है तो वो क्या है नॉन लिविंग है वो निर्जीव है वो मरा हुआ है वायरस तब मरा हुआ है अब मैं क्या करूं अब अगर मेरे हाथ यहां लग जाए और वो उसको अपने फेस पे लगा लू कहीं लगा लू मेरे बॉडी के अंदर चला गया तो टेबल तो नॉन लिविंग था मेरे अंदर गया मैं लिविंग हूं तो वो लिविंग हो जाएगा मतलब जब बाहर पड़ा है तो नॉन लिविंग है अंदर आ गया कोई पोषित कोशिका मिल गई कोई लिविंग सेल मिल गई कोई हॉस्ट सेल मिल गई तो वो लिविंग हो गया तो वो क्या है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग और लिविंग तो क्या हो जाएगा वायरस यानी आपका क्या हो जाएगा विषाणु यानी कोविड जैसे ओके डन है हाँ बिल्कुल सही खेल रहे हैं <laughs> चलिए मैम मेरा जीए ब्लॉक कर दिया है बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात अब सिलेक्शन हो जाएगा बच्चा उसको एक बार थैंक्स लिख के भेज दो नहीं कोई दोस्त हो जिसको उसने ब्लॉक नहीं किया हो तो उससे लिखवा दो थैंक्स ठीक है क्यों क्योंकि अब आपका सिलेक्शन पक्का है अब आपका सिलेक्शन पक्का है कर दिया ब्लॉक कर दिया है ना रोटी थोड़ी ना दे जाती तुम्हारे घर की तुम्हारे घर रोटी दे जाती थी रोटी तो माँ बाप दे रहे हैं पढ़ो माँ बाप के लिए कुछ करो है ना और उसको थैंक्स बोल दो कहीं से चलो आइए अगला क्वेश्चन है रक्तदाब को मापने वाला यंत्र उपकरण कहलाता है आपसे कहा जा रहा है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर आपसे कहा जा रहा है ऐसा ऐसा यंत्र जो ब्लड प्रेशर मेजर करता है है ना बच्चा किसी का ब्लड प्रेशर हाई आता है किसी का लो आता है किसी का हाई आता है किसी का लो आता है तो आपसे पूछा जा रहा है मैम फॉर्म बता दो क्या फॉर्म बता दे आर की क्या आर एन ए की पूछ रहे हैं क्या आर एन ए फॉर्म है राइबो राइबो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड ठीक है न, राइबो न्यूक्लिक एसिड ओके डन चलिए तो इस फाइग्नो मैनोमीटर बिल्कुल सही बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं इस फाइग्नो इस फाइग्मो मोनो मैनोमीटर ठीक है इससे क्या मेजर इस किया जाता है इससे जो है आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है इससे आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है बिल्कुल सही खेल गए हैं आप आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आइए अगले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि Uh, जिस वैज्ञानिक ने जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की ठीक है द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन फर्स्ट सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट वॉज फर्स्ट टाइम वॉज आपसे कहा जा रहा है जिन्होंने पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम की व्याख्या की उस साइंटिस्ट का नाम बता दो बिल्कुल सही बताया विक्रम ने कि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो डब्ल्यू एच ओ कहता है वो क्या है हैची बिल्कुल सही है बिल्कुल सही ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है बिल्कुल सही है चलिए बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि किस वैज्ञानिक ने सर्कुलेटरी सिस्टम की व्याख्या की है कौन बता देगा हॉर्वे बिल्कुल सही आंसर है विलियम हॉर्वे विलियम हॉर्वे यानी बी ऑप्शन आपका सही जाएगा इन्होंने ही बताया बच्चे कि क्या होता है इन्होंने ही किसके बारे में बताया अगर हम बात करें इन्होंने हमें किसके बारे में बताया जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया ओके कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र है क्वेश्चन कहा जा रहा है जब आपके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट ज्यादा हो जाता है तो कौन सा ऑर्गन आपका खराब हो सकता है जब आपके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जैसे आप प्रोटीन खाते हैं ना अच्छा तो प्रोटीन से जो पाचन हो गया वो तो हो गया लेकिन जो पाचन पाचित नहीं हो पाता वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट बन जाता है तो पूछा जा रहा है कि बहुत ज्यादा हो गया तो क्या खराब हो जाएगा लीवर लंग्स किडनी हार्ट बताइए इसीलिए अगर आप प्रोटीन वगैरह ज्यादा लेते हैं ना तो उतनी मेहनत करो उतनी मेहनत करो कि भाई वो जो वहाँ नाइट्रोजन है ठीक है वो अमीनो एसिड में टूट जाए ठीक है और अगर आप कोई दवाई वाई ज्यादा ले रहे हैं कुछ भी ले रहे हैं पानी से ज्यादा से ज्यादा पीजिए पता है कौन सा ऑर्गन खराब हो जाएगा कौन सा ऑर्गन खराब हो जाएगा गुर्दे गुर्दे बिल्कुल सही बात है यानी किडनी आपका सही आंसर है ठीक क्यों क्योंकि ब्लड ब्लड में सब नाइट्रोजीनियस वेस्ट है हांजी मैम और ये किडनी जो है बच्चा यही क्या करेगी यही से छानेगी है ना अब ओवरलोड हो जाएगा इससे तो खराब ही हो जाएगी यही कारण है अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यकृत वाहिका जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को यकृत में ले जाती है यह आपका क्या है दिस इज योर होमवर्क होमवर्क आपका होम है ठीक है आज की क्लास हम इतनी रखें कल भी हमारी क्लास होगी कल भी हमारी ही क्लास होगी ठीक है तीन दिन आप साइंस पढ़ते हैं और मैं जो है बात कर रही हूं कि अपनी क्लास सातों दिन चले क्योंकि ऐसे ना बच्चे भी इधर उधर चले जाते हैं और मुझे भी थोड़ा सा पढ़ाने में मजा नहीं आता क्योंकि जो आपसे रोज मिलने में मजा वो कभी कभी मिलने में वो मजा नहीं है तो आज मैं थोड़ा सा इसी पे मीटिंग करूंगी है ना कि हमारी क्लास यहां पे भी और एस वाला दोनों पे ही रोज आए रोज एस टॉप तक में भी और एस वाला पे भी तो इसके लिए हम बात कर लेंगे बाकी सभी बच्चे अपना ध्यान रखें